कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या, आरोपियों को फांसी की सजा और PFI पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर आज चंबा के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति को AC चंबा के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से देश का संपूर्ण हिंदू समाज आहत है, जिसके बाद से ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। अतः उनकी मांग है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, चंबा में उपायुक्त महोदय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन देने हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज लगभग पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद विभिन्न माध्यमों से, SDM के माध्यम से, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। विरोध स्वरूप, विरोध हमारा ये है कि कर्नाटक में 22 फरवरी को एक ऑर्गेनाइज्ड विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, जघन्य रूप से हत्या की गई, उसके विरोध में ये ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति महोदय को सौंप करके ये मांग कर रही है कि PFI जो सिमी का ही दूसरा स्वरूप है उस पर बैन लगाया जाए। भारत सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस पर जो ऑर्गेनाइज गुंडापन है उस पर नियंत्रण करके और विशेष करके PFI पर पूर्णतः बैन लगा करके, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि आज के जो वर्तमान जो PFI है वो सिमी का ही दूसरा स्वरूप है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग रहती है और आज भी हम राष्ट्रपति महोदय से यही मांग करने आए हैं कि कर्नाटका में 22 फरवरी को जो हर्षा की, हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनकी जो निर्मम हत्या की गई और हत्या भी ऐसी कि ऑर्गेनाइज्ड, यानी पूरी तरह गिरोह बना करके जानबूझ करके उसे मारा गया और एक भय का वातावरण देश में फैलाने की कोशिश की गई, विश्व हिंदू परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि PFI पर तुरंत बैन लगाया जाए ताकि देश विरोधी जो ताकतें हैं जो उभर रही हैं उनको नियंत्रण में किया जा सके। भानु प्रताप सिंह, जिला विधि प्रमुख, ये जो हर्षा की निर्मम हत्या हुई है उसके बाबत हम अपने जिलाधीश को आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। देखा जाए तो ये जिहादी प्रवृत्तियाँ देश दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रही हैं। हत्या की निर्मम हुई कि उसको चाकू से गोद गोद के मार डाला और जब उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी तो उसके ऊपरी पथराव किया। ये इस प्रकार का बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं और PFI के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, उन्हें फांसी की सजा दी जाए और उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए। विश्व हिंदू बजरंग दल शांति और सौहार्द में विश्वास रखता है, पर इस प्रकार की घटनाएं जो दिन प्रतिदिन हो रही हैं इसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी तो संगठन की तरफ से प्रतिकार होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।